हम कॉलेज में मिले थे, मेरा सेकंड ईयर था और इसका फर्स्ट ईयर था, नहीं मेरा थर्ड ईयर था इसका सेकंड ईयर था। याद भी नहीं है यार। हमने इनको जो है नया नया चस्का लगा था रैगिंग लेने का जूनियर था। हमारी एक कॉमन फ्रेंड थी जो इनकी इनकी भी कॉमन फ्रेंड थी, तो हमने उसके थ्रू जो है रैगिंग वैगिंग किया, तो मौज मस्ती वगैरह करते रहे। तो फिर ऐसे ही फिर नोटिस किया मैंने, फिर फेसबुक पे इसको अप्रोच किया था, तो फिर बातें बातें होनी स्टार्ट हो गई। फिर मैंने इसको कॉफ़ी पे बुलाया था अपना कॉलेज में, तो हमारा एक कॉफ़ी पॉइंट होता था, उसमें क्लासेस के बाद जो कपल्स लोग थे वो मिलते थे, तो फिर मैंने बुलाया था, फिर ऐसे मिलना स्टार्ट हो गया। फिर लाइब्रेरी नहीं तो मैं एक्चुअली मिल नहीं रही थी सिर्फ बहुत दिन तक, बट मेरी फ्रेंड का बर्थडे था तो मैं हॉस्टल में अकेली थी, बोर हो रही थी, इसलिए मैं चली गई थी। तो उसके बाद फिर रेगुलर मिलना स्टार्ट किया। पता चल गया था कि दोनों के मन में फीलिंग्स है ही। हाँ। तो फिर इसने जस्ट वो भी प्रपोज भी कब किया था, 19 नवंबर को मेरा एग्जाम था एंड 17 नवंबर को ही प्रपोज, जब मैं एकदम हॉस्टल में बिल्कुल पढ़ रही थी फुल ऑन एकदम लास्ट मोमेंट तैयारी, एंड देन ही कॉल्ड मी कि नीचे आने के लिए। जो कहना है तुमसे कभी ये पल मिला तो कह दूं तुम्हें सब अभी, कि देख जो तुम्हें तो देखते रहे मन भरता नहीं, चेहरे से तेरे नजरें हटाने का दिल करता नहीं, जो साथ हो तेरा तो दर्द फिर मेरा टिकता नहीं, है गुर्बत कोई कि दूर जाने का दिल करता नहीं, ये कैसी